नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल में। तो मैं सोलंकी नीलेश, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा विलेज का मॉर्निंग रूटीन। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी 6 बज चुके हैं और अभी सूरज भी निकला हुआ नहीं है। और विलेज का या गांव का जो मॉर्निंग होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अभी का जो वातावरण है वो एकदम शांत और अच्छा वातावरण है। हम महसूस कर सकते हैं, अगर आंख बंद करके हम महसूस करें तो पक्षियों की आवाज़ आती है, अलग अलग पक्षियाँ बोलते हैं उनकी आवाज़ आती है और मन को सुकून मिलता है। ऐसा सुबह का यहाँ का वातावरण होता है। और शहरों में हमारी आंख खुली और आवाज़ स्टार्ट होने लगती है, गाड़ियों की आवाज़ की और हॉर्न की आवाज़ की, या अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है तो उनकी आवाज़ की सुबह हमें सुन मिलता है वो सब चीज़ें। और गांव में उनका ऑपोजिट यानी कि अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ सुनने को मिलता है, सुबह सुनने को मिलता है पक्षियों की आवाज़, और ना ही कोई कोई गाड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलती है, ना ही कोई हॉर्न की आवाज़ सुनने को मिलती है। ऐसा हमारा यहाँ का वातावरण सुबह का होता है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कर दीजिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा मॉर्निंग रूटीन। तो अभी मम्मी बना रही है सुबह का हमारा डेली, अभी चल रहा है हल्दी वाला दूध। तो अभी ये बन के तैयार अभी हुआ है। सुबह सुबह हम अभी सारे घर वाले, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हम यहाँ रहते हैं, वो सब हल्दी वाला दूध अभी पी रहे हैं। तो सुबह सुबह पहले ये पीते हैं, फिर हम चाय पीते हैं। तो हल्दी वाला दूध बनने के बाद फिर बना हुआ है हमारा चाय, सुबह की चाय, मॉर्निंग चाय। और यहाँ पे मम्मी ने आज बनाया हुआ है जो गुआर और आलू की सब्ज़ी। तो अभी मम्मी उनको कट कर रहे हैं, गुआर और आलू की सब्ज़ी बनानी है आज हमें। और एक साइड पक रहा है चाय अभी निकलने वाली है, बंद कर दो। तो ये हमारा सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है। अभी तो क्या है, पहले हल्दी वाला दूध बनाते हैं, फिर बनाते हैं चाय और फिर बनती है हमारी सब्जी। तो सुबह हमारी जो चाय के साथ होती है हमारा नाश्ता, चाय और रोटी। तो अभी मुनि जो हमारा सुबह का रोटी बनानी है तो उनका आटा वो तैयार कर रही है। तो यहाँ पे मुनि ने अपना हमारा जो देसी चूल्हा है उनको अभी जला दिया है अच्छे से, अभी वो आग दे रहा है। तो हमारे देसी चूल्हे पे आज बनने वाली है रोटी गर्मा गर्म। तो अभी मुनि बना रही है सुबह सुबह नाश्ता रोटी। और हमारी जो पहली रोटी होती है वो हमारे गाय के लिए होती है, और फिर हम दूसरी हमारी होती है, इसलिए हम पहली रोटी जो बनती है वो हमारी गाय के लिए बनती है और फिर हमारे लिए बनती है। ये हमारी गाय का ताज़ा ताज़ा मक्खन अच्छे से मुनि ने लगा दिया है। तो अब हम खाने के लिए रेडी है। तो अभी मम्मी बना रही है रियान और मिताश के लिए सुबह का नाश्ता। तो सुरमू अभी बना रहे हैं। तो इसमें हमारा जो बाजरे का रोटला और इसमें गुड़ और घी,
जो हमारी देसी गाय का घी है वो उनका आप बना रहे हैं चूरमा। तो मिताज के लिए अभी बना दिया है, तो वो अभी खाने के लिए बैठ चुका है सुबह सुबह नाश्ता चूरमू का। और अभी रियान के लिए ये बन रहा है चूरमा। तो अभी टाइम हुआ है 3:30 और अभी मैं क्या है कि दवाइयाँ पी रहा हूँ तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर से मैं आज 1 बजे सो गया था तो अभी मैं उठा हूँ। तो अभी मम्मी बना रही है चाय एंड रियान भी सो के उठ चुका है मेरे साथ। हेलो, कपड़े पहनो बेला, है पहले कपड़े। हेलो गाइस, के लिए कैसे हो? तो रियान भी अभी सो के उठ चुका है, हम दोनों साथ साथ। अभी हमारी चाय बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हुआ हूँ जामुन खाने के लिए, क्या इनको शायद वैसा ही कुछ कहा जाता है, एग्जैक्टली मुझे हिंदी का नाम पता नहीं है, लेकिन हम उनको जाम्बू बोलते हैं। ये वाले जामुन है, वो मैं आपको बता देता हूँ बैक कैमरा करके। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका हिंदी में क्या बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा जामुन अभी एक साथ लगे हुए हैं। तो इसमें अभी बहुत सारा जामुन आया हुआ है और अभी बढ़िया भी हो चुका है। तो और भी ऊपर भी देख सकते हो आप, बड़े बड़े हैं। यहाँ से नीचे से तो बच्चों ने खा खा के छोटे छोटे अभी रह चुके हैं, क्योंकि ऊपर उनका हाथ नहीं पहुँच पाता, तो ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात ये है कि इसमें जो ये वाली चींटियाँ बहुत है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली चींटियाँ हैं, वो ज़्यादा अटैक करती है। ये वाली ये बहुत ही डेंजर वाली है, ये वो बहुत ही ज़्यादा काटने वाली है। तो ये भी बहुत है, तो इसको ध्यान से हमें तोड़ना होता है, क्योंकि वरना ये चींटियाँ हमें काट लेगी और बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाली ये चींटियाँ हैं। तो अभी मैं खाने के लिए आया हूँ और मितांश और रियान के लिए भी, मैं घर के सदस्यों के लिए भी मैं ले जाऊँगा। हमारा सुबह से जो काम चल रहा था, जो ये क्या बोलते हैं इनको, नाली जो पानी देने वाली होती है वो, तो इनको आज हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर घास निकल कर आया है। तो आप देख सकते हो ये सब यहाँ, यहाँ हमने क्लीन कर दिया है, तो ये यहाँ से सिर्फ वहाँ तक पूरा क्लीन करना है आज। जो एक्स्ट्रा ग्रास निकला है, जो घास निकल आया है, उनको कटिंग करके हम ऐसे क्लीन कर देंगे, क्योंकि अब पानी देने में इनको आसानी हो, जो हमारे नारियली में पानी देना होता है तो आसानी हो। और दूसरा हमारा काम चल रहा है अभी, जो इसमें हमने चला दिया है, जो हम बोलते हैं रैंप, वो हमने चला दिया है, जो प्लेट लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं इनको, एरो शायद इनको ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ये हमने चला दिया है, तो जो भी एक्स्ट्रा निकला हुआ था वो सब अब ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। तो वो आगे भी अभी चल रहा है, वो ट्रैक्टर चला रहा है अभी। तो आप देख सकते हो इसमें जो चला रहा है ट्रैक्टर, तो ये अब रह चुका है, तो अब इसमें आने देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। जो ये एक्स्ट्रा निकल आया है, जो अगले साल हमने मूँगफली लगाई हुई थी वो भी निकल आई है। तो अब ज़्यादातर हम जो मानसून वाली जो भी इसमें फसल लगाएंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा ग्रास थोड़ा सा कम निकलेगा, क्योंकि अभी निकल आया है, तो अभी इसमें हम चला देंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारी गोपी को मस्ती सूझी हुई है। गोपी गोपी
अभी मिल्किंग करने के बाद आज हरा चारा में हमारी गाय को मिला है शुगर केन या गन्ना। तो अभी गन्ना लक्ष्मण काट रहा है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं इनको, छोटे छोटे पीस, क्योंकि इनको खाने में आसानी हो।